मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। बैठ ना। पता है आज मैं सोच ही रही थी कि मीता से मिले बहुत दिन हो गए, उसको फोन करती हूँ और मिलने के लिए बुलाती हूँ। तूने याद किया और मैं हाजिर हो गई। इसी को तो कहते हैं दो सहेलियों का प्यार और दो नंद और भाभी का प्यार। और वैसे वो आंटी नजर नहीं आ रही, वो ना पड़ोस में गई है। अच्छा, अरे सुमित तेरे बाल पहले से काफी लंबे नजर आ रहे हैं। अच्छा हाँ यार। अरे नहीं ना, तू बहुत दिनों बाद मिल रही है ना मुझसे। नहीं तो यार, मैं बिल्कुल वैसी हूँ मीता। और हमारे बच्चे कहाँ हैं? वो दोनों तो स्कूल गए हैं। बहुत शैतानियां करने लगे हैं बाबा, सारा दिन खेल कूद मस्ती। बच्चे शैतानियां नहीं करेंगे, बच्चे खेल कूद नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? हाँ वो तो है। तुझे पता है पिछले कुछ दिनों में ना मैं बहुत परेशान हो गई थी। क्यों, क्या हो गया था? अरे टूटू नहीं है, उसके सर में इतनी खुजली होने लगी थी। माँ जी तो डरी गई थी, उन्हें लगा कहीं उसे वो जुए मुए ना हो गई हूँ। तो फिर निकली क्या? नहीं, उसको डैंड्रफ हो गया था। अब डैंड्रफ नहीं होता तो और क्या होता, सारा दिन बस गंदे ही खेलना कूदना, घर आके वैसे ही सो जाता था। डैंड्रफ तो होता ही ना, और तुझे पता है डैंड्रफ से इन्फेक्शन और हो जाता है। अरे लेकिन तुझे क्या हो गया? मेरे लेक्चर से बोर हो गई क्या? हाँ अरे नहीं यार, पहले भी मुझे कुछ ऐसे ही लाइटली डैंड्रफ की प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा? हाँ, मैंने भी काफी शैम्पूज वगैरह इस्तेमाल करे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, और उसके बाद तूने इस प्रॉब्लम को भी इग्नोर कर दिया होगा हमेशा की तरह, है ना? हाँ नीता, तू कब सीखेगी? जब तू मुझे सिखाएगी। अरे भाई लेकिन क्या? डैंड्रफ को कैसे क्लियर करना है, कंट्रोल करना है, वही। ठीक है तो तुझे मैं ये बताती हूँ कि डैंड्रफ को कैसे ठीक करते हैं। कैसे? ऐसे। क्या आपकी जुल्फें भी आपको दे रही हैं इस तरह धोखा? क्या बढ़ती उम्र का असर दिखने लगा है आपके भी बालों पर? बालों को सर का ताज कहा जाता है। आपको नहीं लगता ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को एनहांस करने में मदद करते हैं? इन्हीं खूबसूरत बालों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, आप सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन जहां इनमें रूसी पड़ी नहीं कि खुजली और बालों का झड़ना हो जाता है शुरू। और खुजली या बालों के झड़ने का मतलब है सबके सामने शर्मिंदा होना। तो फिर कैसे बचें इससे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये रूसी आखिर है क्या। एक्चुअली डैंड्रफ काफी कॉमन प्रॉब्लम है जो लोगों के वेदर मेल और फीमेल उनके बालों में पाई जाती है। और देखा जाता है कि इसमें बड़े बड़े पार्टिकल या छोटे पार्टिकल एक ड्राई डाई स्कैल्प की तरीके से बालों में आते हैं। वहाँ पर यू टॉक अबाउट द डैंड्रफ, एलोपेशिया वगैरह जो होता है, ये फंगस से शुरू होती है। और फिर ये बढ़ते बढ़ते अगर लोग इसको कंट्रोल नहीं करते या बारीकी से नहीं देखते तो ये बढ़ती चली जाती है। और इवन ये काफ़ी नुकसान देती है, इससे बाल गिर भी सकता है, आँखों के अंदर उसके पार्टिकल आते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। डैंड्रफ होने की कई वजह हो सकती है। बालों का ज्यादा ड्राई रहना तो एक वजह होती ही है, लेकिन कभी कभार पिट्रोस्पोरम ओवेर नाम का एक फंगस होता है जो हम इंसानों की स्किन पर पाया जाता है। और अगर हम अपने स्कैल्प को ठीक ढंग से ना धोएं, डस्ट में बालों को ज्यादा एक्सपोज करें तो डैंड्रफ होना बिल्कुल तय है। हमारा सिर महीने में लगभग एक बार स्किन शेड करता है। अगर इस समय सिर को साफ ना रखा जाए तो फंगस डैंड्रफ बनकर आपको परेशान कर सकता है। खास तौर से हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम है जबकि हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर के अंदर आप प्रॉपर राइट शैम्पू डिसाइड नहीं करते, और जब आप उसको शैम्पू करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से फाइनली रिंस नहीं करते ताकि लिटिल पार्ट ऑफ द शैम्पू रिमेन इन टू द हेयर, एंड देट कैन बी कॉज ऑफ डैंड्रफ के लिए होता है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें ऑयल के लोग बहुत सी बातें करते हैं लेकिन ऑयल से भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है।
डैंड्रफ को आमतौर पर लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन यही डैंड्रफ डेंजरस हो सकती है अगर ये बालों के साथ साथ सिर की त्वचा को भी इफेक्ट करने लगे। बाल झड़ने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं और कई बार तो सिर में इसी वजह से सूजन तक आ जाती है। ये और भी भयानक रूप ले लेती है अगर चेहरे तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद आपको हो सकता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। बाजार में मौजूद कई एंटी फंगल शैम्पूस इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो घर बैठे भी कर सकते हैं इसका इलाज। एक घरेलू नुस्खा काफी कामयाब है जिसको मैंने भी देखा है, गौर से देखा है, वो वहाँ पर दही और मस्टर्ड ऑयल दोनों को मिला के रूट्स में लगाते हैं, सारे बालों में नहीं लगाते, और उसको कुछ देर तक छोड़ा जाता है। उसके बाद में फिर राइट शैम्पू करके उसको क्लीन कर दीजिए। लेकिन इसमें और भी बहुत सी बातें आती हैं। सपोज आपकी हेल्थ, आपको विटामिन एंड कैल्शियम की कोई कमी ना हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी खुराक और ये विटामिन कैल्शियम जो आपकी बॉडी का दूध है वो अगर पूरी नहीं होती, उसकी भी वजह से डैंड्रफ हो जाता है वहाँ पर। तो अब जब आप जान गए हैं कि डैंड्रफ ही है आपके बालों के कमजोर होने की वजह, तो रखिए इनका ख्याल, क्योंकि बाल ही बना सकते हैं आपकी पूरी पर्सनालिटी को कम्प्लीट। घर के सारे तौर तरीके बदल डालूंगी, मेरा पति मेरे कहने में रहे ना कि अपने माँ के, सास तो हमेशा गलती ही निकालेगी। मुझे कुछ नहीं समझना और ना मैं समझना चाहती हूँ, बहुत हो गया। बहुत टाइम से नहीं एडजस्ट करती आ रही और कोई नहीं कर रहा, नहीं हो सकता ऐसा। तो ठीक है फिर, ओके बाय। अरे मीता क्या हो गया, अचानक इतना गुस्सा? कुछ नहीं यार, वही पुराना, 4 महीने हो गए एडजस्ट करते हुए, लेकिन मैं ही हर जगह पे एडजस्ट तो नहीं करूंगी ना। अरे लेकिन इतनी भड़क क्यों रही है, क्या हो गया मेरी झांसी की रानी को? वही पुरानी बात, विक्की से झगड़ा। क्यों, क्या हुआ, किस बात पे झगड़ा हुआ बताओ? मेरी तबीयत खराब थी यार सुबह, और मुझे विक्की ने मना कर दिया उठने से कि तुम मत उठो, कैंटीन से मैं खाना खा लूंगा। तो तुम मत उठती? लेकिन यार जैसे ही वो ऑफिस चले गए उसके बाद, तो मैं जैसे ही रूम से बाहर आई तो माँ जी खड़ी हुई थी, और उन्होंने तो लेक्चर सुनाना शुरू कर दिया मुझे। बस जैसे कि मेरा रूम से बाहर आने का वेट ही कर रही थी, लेक्चर पे लेक्चर, विकी को खाना नहीं दिया, ये नहीं करा वो नहीं करा, बस दे धनाधन शुरू ही हो गई वो। और मेरे जब तक आंसू नहीं टपके ना, तब तक वो चुप नहीं हुई। लेकिन तुम तो बोल रही थी कि झगड़ा विकी से हुआ है। हाँ ऑब्वियसली यार, माँ जी की वजह से विकी से झगड़ा हो गया। अरे तुम पहले डिसाइड तो कर लो कि झगड़ा माँ जी से हुआ है या विक्की से। ऑब्वियसली माँ से यार। मेरा भी दिल था कि 4 बातें सुना दूँ, अदरवाइज विक्की की वजह से रुक गई, नहीं तो मैं भी बहुत कुछ सुना सकती थी। अरे बाबा तुम तो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह गर्म हो गई हो। ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। तो मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, शांत हो जाओ, कूल हो जाओ, और ये शरबत ले। तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो कहाँ हुआ है मीता, ये सास बहू की लड़ाई भी कोई प्रॉब्लम है? ये तो हर घर की कहानी है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जापान, हर जगह यही होता है। और सास के साथ प्रॉब्लम है ना, रिजॉल्व हो सकती है, इसके लिए इतना रिजिड होने की क्या जरूरत है? देख ये रिश्ते त्याग से बनते हैं, प्यार से बनते हैं, कोई जिद या लड़ाई से थोड़ी बनते हैं। मतलब त्याग करेगी बहू और परेशान करेगी? अच्छा चल ठीक है, एक बात बता, विकी तेरा पति है ना? हाँ। तो क्या चाहती है कि वो अपनी माँ को छोड़कर तेरे पास आ जाए? नहीं। तो फिर तू चाहती क्या है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैं ऐसी कभी भी नहीं थी। मीता तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू बिल्कुल ठीक है, बस तू थोड़ी सी इरिटेट हो गई है और कंफ्यूज हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तू मौरते भी ना, मतलब तू औरत नहीं है, तू आदमी है। चल छोड़, हम पार्लर चलते हैं, थोड़ा मूड भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है हम पार्लर जाएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है ही ना। अरे छोड़ ना, देख सास बहू की प्रॉब्लम, सास बहू के झगड़े, ये सब सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये सब है तो बहुत कॉमन, लेकिन है भी बहुत सीरियस। अब मैं रही तेरी फ्रेंड,
तो मेरी बात तो सुनेगी नहीं। मेरी एक दोस्त है जो ये सास बहू के झगड़ों को बहुत अच्छे से समझती है, मैं तुझे उनसे मिलवाती हूँ। तो चल फिर चलते हैं। ये देख, रिश्ते हैं नई नई, पहचान अधूरी है। नजदीकियां हैं थोड़ी थोड़ी सी दूरी है। समझ लेंगे धीरे धीरे इस घर की जरूरतें। के लिए तो बस विश्वास जरूरी है। किसी भी लड़की के लिए कितना बड़ा होता है शादी का बंधन, बंधन जो कुछ नए रिश्ते लाता है और कुछ पुराने रिश्ते छीन ले जाता है। लड़की और उसके ससुराल वाले, वो लोग जो कल तक अजनबी से थे, एक अनूठे रिश्ते की डोर में बंध जाते हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता बनता है सास और बहू के बीच। उलझने दोनों तरफ रहती हैं। कहीं सास फिल्मी सासू जैसी हुई तो, कहीं बहू नखरे वाली निकली तो, और उलझने खत्म होती हैं समझौते यानी एडजस्टमेंट से। यकीन मानिए, अगर सास और बहू दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट करेंगे, तो ये रिश्ता एक प्यारा सा रिश्ता साबित हो सकता है। सास भूल जाती है कि वो भी शायद कभी बेटी थी और फिर बहू बनी और फिर अब एक माँ है, तो हर रूप है उसके अंदर। लेकिन जब एक नई औरत आती है जो उसके बेटे की बहू बनकर आती है, तो शायद उसके रिश्ते के बारे में सोच बदल जाती है सास की। बहू आती है और वो अपने तौर तरीकों के साथ में आती है और वो सोचती है कि शायद मेरा ये नया घर मेरे तौर तरीकों के साथ एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो घर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर उनकी एक्सेप्टेंस में काफ़ी दिक्कत आती है। सास बनना दोबारा से माँ बनने के एहसास जैसा है। जब आप सास बनती हैं, तो इसका मतलब यह है कि बहू के रूप में एक बेटी आपको मिल गई। लेकिन अक्सर बहू के घर में आने से सास खुद को परेशान महसूस करने लगती है। सास को लगता है कि उसकी सत्ता हिल गई है, अब बेटा बेटा नहीं रहा। सास को चाहिए कि बहू की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करे। अगर बहू को बेटी मानकर आप उसके साथ प्यार से पेश आएंगी, तो बदले में ढेर सारी खुशियां आपकी झोली में आ जाएंगी। ये ना सोचें कि आपका बेटा हमेशा आपकी ही बात माने। इस बात को समझें कि शादी के बाद उस पर कुछ नई जिम्मेदारियां आ गई हैं। उसे अब अपनी पत्नी को भी वक्त देना है, साथ ही बहू को भी थोड़ा वक्त दे नए माहौल के हिसाब से खुद को ढालने का। बात बात पर बहू की कमी ना निकाले, वरना धीरे धीरे उसमें आपसे अपनेपन की फीलिंग कम होती जाएगी, जिससे आपके और आपके रिश्तों में दूरी खड़ी हो सकती है। लड़की बहू उन सबको चेंज होना बहुत जरूरी है, तो ये रूप जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल के दिन जब आपके अपने बच्चे बड़े होंगे तो आप भी एक सास बनेंगी। तो ये सोचकर कि आपने नए रिश्ते कैसे बनाने हैं। और देखिए, झगड़े तो घर में होते ही रहेंगे, झगड़े होते हैं, आप उनको सुलझाने की कोशिश करें, एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश करें।
लोगों को चेंज ना करने की कोशिश करें तो माहौल बहुत बढ़िया बना रहे। शादी के रिश्ते में बंधने के बाद अगर किसी की जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव आता है तो वो है लड़की यानी पति। उस पर जिम्मेदारी होती है कि वो नए घर के माहौल को समझे और उसके अनुसार अपनी आदतें बदले। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब उसके तौर तरीके ससुराल वालों से नहीं मिलते। घर में आने के बाद बहू सोचती है, घर के सारे तौर तरीके बदल डालूंगी, मेरा पति मेरे कहने में रहे ना कि अपने माँ के। सास तो हमेशा गलती ही निकालेगी। बहू को चाहिए कि वो थोड़ा खुद को बदले और थोड़ा दूसरों को बदलने दे। अगर मन में कोई भी उलझन हो तो बातचीत करके उसे सुलझाए। याद रखें, मन मुताबिक बदलाव प्यार से ही लाया जा सकता है। आपकी गलतियों पर माँ भी डांटती है, इसीलिए सास को माँ का दर्जा दें, उनकी डांट का बुरा ना माने। अगर आप किसी पर अधिकार जमाएंगी तो हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी करें रिश्तों में प्यार का मीठा सा एहसास बना रहे। नए घर में आते हैं तो सास के साथ एक रिश्ता, ससुर के साथ एक रिश्ता, और अगर आपकी और भी एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ रिश्ता, आपके हस्बैंड के भाई बहनों के साथ में रिश्ता, बहुत सारे रिश्ते बनने पड़ते हैं। तो सडनली एक बहुत बड़ा चेंज आता है लड़की की ज़िंदगी में। उस चेंज को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना और उसके लिए एक एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है बहू के लिए। कैक्टस को सुन के आपको ऐसा लगता होगा जैसे कांटों से, लेकिन वो जो स्किन पे ग्लो देगा उसका एक अलग ही चेंज आएगा। तो भाई शशि कहती हैं कि अगर हर्ब्स आपके चेहरे पे लग जाए तो आपके चेहरे पे निखार आ जाता है। सुमी कहाँ चली गई? 10 मिनट का बोलकर गई थी, 2 घंटे हो गए यार, घर पे कोई भी नहीं है। शर्मा जी के वहां जाना है, पता नहीं शर्ट प्रेस कर गई है या नहीं गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। लग रहा है जरूरी है कुछ ये आईब्रोज वगैरह बनवाने गई होगी या फेशियल कराने। यार ये औरतें भी ना यार, बस समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। शशांक, हाँ? शशांक बोलो, बाहर आओ। क्या है, अंदर हूँ। अरे बाहर आओ ना बाबा। क्यों, आज के दिन में कोई चांद निकला हुआ है? कुछ ऐसा ही समझ लो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ऑलरेडी इतना लेट हो रहा हूँ। शर्ट भी प्रेस नहीं करी एक तो तुमने, 10 मिनट का बोलकर गई थी, 1 घंटे में आई हो। शशांक मैं क्या करती, इतना रश था ना वहाँ पे, इसलिए मौका ही नहीं। सुमी तुमने कुछ कराया क्या फेस पे? बहुत ग्लो आ रहा है। तो इसीलिए तो तुम्हें बुला रही थी, पर तुम होगी बस। और वो मीता कहाँ है, वो नहीं आई? नहीं, उसको अभी टाइम लगता ना, मुझे लगा तुम्हें देर हो रही होगी इसलिए मैं आ गई। सुमी हाँ, तुम्हें देखकर तो एक गाना याद आ रहा है। अच्छा तो सोच क्या रहे हो, गा दो। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो पता तेरा नाम है क्या? नाम? मेरा नाम है सुमी। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या कराया है? क्यों क्यों, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत चिल्ला रहे थे, कहाँ रह गए, इतना देर कर दिया, ये वो, अब क्या हुआ? तो ऐसे ही कह रहा था ना, बताओ ना। ये सब ना हर्बल चीजों का कमाल है। ओ प्लीज यार, अब ये मत कहना कि ये तुलसी, नीम, हल्दी, चंदन इन सब से हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन कैसे? मैंने ना
हर्बल फेशियल कराया है। सारे पैसे उड़ा दिए होंगे मेरे और क्या? बिल्कुल भी नहीं। और पता है ये तो बहुत आराम से घर में भी किया जा सकता है। घर में? सुमी यार यार तुम मेरा भी फेशियल करो ना। तो तुम्हें क्या लगा मैं और क्या लिख रही हूँ? यही सब तो लिख रही हूँ। हाँ सुमी लेकिन ये करते कैसे हैं? जानना चाहते हो? हाँ तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हर्बल फेशियल किया कैसे जाता है। कैसे? ऐसे। गर्मी, धूप, पॉल्यूशन, इन सब से मेरे चेहरे का ग्लो खत्म होता जा रहा है। आखिर कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मेरे चेहरे का नेचुरल ग्लो वापस आ सके। नेचुरल ग्लो आएगा वो भी एक जादू से। ग्लो और जादू से? कैसे? जो हमारा हर्बल प्रोडक्ट है वो सब नेचुरल चीजों से बना है, जैसे आलमंड, कैक्टस, कुकम्बर, एलोवेरा। कैक्टस? इसे सुन के तो मुझे वैसे ही डर लगता है। कैक्टस को सुन के आपको ऐसा लगता होगा जैसे कांटों से, लेकिन वो जो स्किन पे ग्लो देगा उसका एक अलग ही चेंज आएगा। तो भाई शशि कहती हैं कि अगर हर्ब्स आपके चेहरे पे लग जाए तो आपके चेहरे पे निखार आ जाता है। चलिए ये भी ट्राई करके देखते हैं। चलिए तो हम बताते हैं नमिता की परेशानी कैसे दूर की जाए चुटकियों में। ये स्किन क्लेंजर है जो स्किन की डस्ट होगी उसको क्लीन करेगा। इसमें मिंट मिक्स होता है, डीप क्लेंजिंग करता है। ये मसाज क्रीम है, इसमें आलमंड मिक्स है, ये स्किन में ग्लो देगा, इससे हम मसाज करें। ये डर्मा ब्रेजिंग मास्क है जो स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। ये फेस मास्क है, इसको हम स्किन पे लगाएंगे। इसमें सब नेचुरल हर्ब मैंने मिक्स किए हैं जैसे एलोवेरा, कुकम्बर। चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्लेंजिंग। क्लेंजर में मिंट है जो आपकी स्किन को ठंडक देगा। 2-3 मिनट्स की क्लेंजिंग करनी होगी जिससे कि सारी डस्ट हमारी बाहर आ जाती है स्किन की। दो मिनट के बाद हम क्लेंजर को रिमूव कर रहे हैं। कुछ ग्लो आया? अभी कहाँ, अभी तो बहुत बाकी है। क्लेंजिंग के बाद इनके फेस पे हम लगा रहे हैं डर्मा ब्रेजिंग मास्क जो एकदम इनकी स्किन पे ग्लो देगा, जो हर्बल बेस्ड है। शशि मैं ये पैक घर पे कैसे बना सकती हूँ? जो आटे का चोकर होता है, चोकर जानते हैं आप? जो आटे का चोकर होता है उसको एग के अंदर मिक्स करके दही उसमें आप डाल सकते हो। उसका ऐसा थिक पेस्ट बना के फिर फेस पे लगाओ। उसे कितनी देर तक लगाना होगा? 50% ड्राई होने तक। उसके बाद मिल्क से रब करके आप उतारें इसे। ये आई पैड लगा रहे हैं, स्किन टोनर में डिप किया हमने इसको जिससे इनको रिलैक्स मिलेगा। जो इनके आई डार्क सर्कल होंगे उसमें भी आपको फ़र्क दिखाई देगा। अब ये जो हमने मास्क लगाया है इसको 10-15 मिनट्स के लिए हमें छोड़ना है, उसके बाद हम इसे रब करके उतारेंगे और फिर देखिए आप इनकी स्किन का ग्लो। चलिए 15 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं इस हर्बल मास्क ने नमिता के फेस पे क्या ग्लो दिया। अब हम इसे रब करेंगे स्किन टोनर के साथ। सबसे पहले ये ईयर में कॉटन डाल देते हैं ताकि इनके ईयर में कोई भी ग्रैनुल्स इसका ना जाए जिससे इनको इरिटेशन ना हो। ये आप किस चीज़ से डैप कर रहे हैं? स्किन टोनर से। मिल्क से भी आप कर सकती हैं, घर पे स्किन टोनर नहीं है तो आप मिल्क से भी कर सकती हैं, रॉ मिल्क से। डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप? नहीं, ये दोनों स्किन पे आप कर सकते हैं, ऑयली पे भी, ड्राई पे भी। इससे जो ब्लैकहेड्स होंगे वो भी रिमूव होकर निकल जाएंगे। ब्लैकहेड हम कॉमोडोन से कम निकालते हैं, ये जो मास्क लगता है ग्रैनुल्स वाला इसी से ही रिमूव होकर निकल जाते हैं सॉफ्ट होके। अब हम रब कर चुके हैं, अब इनका फेस वाइप कर रहे हैं मॉइस्ट कॉटन के साथ। डर्मा ब्रेजिंग मास्क जो हमने इनके स्किन पे लगाया था उसको हमने रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम इनके मसाज करेंगे जो आलमंड बेस्ड क्रीम है, हर्बल क्रीम।
ये नोज पे जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, किसी को साइनस की प्रॉब्लम है उसके लिए ठीक है। मसाज जो भी हम करते हैं उसके बाद एकदम स्किन को नहीं छोड़ना चाहिए, उसके जो भी हमने ब्लड सर्कुलेशन इम्बैलेंस किया होता है उसको बैलेंस में लाने के लिए ये कैट स्क्रॉल किया जाता है। बहुत स्लो स्लो शिवरिंग होनी चाहिए बॉडी में से। अभी हमने इसके बाद एक पैक लगाना है आपको, कोल्ड कंप्रेशन देंगे। हर्ब्स जो होता है थोड़ा गर्म होता है, इसके लिए हम स्टीम नहीं देते हैं फेस पे, कोल्ड कंप्रेशन देते हैं स्किन को कूल डाउन करने के लिए। अब मैं उसके बाद वो देने जा रही हूँ। ये स्किन टोनर के अंदर डिप करके हमने पैड बनाए हैं, कॉटन पैड, जो हम इन्हें फ्रिज में रखते हैं। इससे स्किन टाइट होती है, पोर्स बंद होते हैं। स्टीम देने से स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और कोल्ड कंप्रेशन देने से पोर्स बंद हो जाते हैं, रिंकल्स नहीं होते, मसल्स वीक नहीं होती हैं। घर पे भी आप ये पैड बना सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। रिमूव करने के लिए भी इसको आप पैटिंग करते हुए ऐसे उतारेंगे। अब इसके बाद फेस पैक लगाएंगे हम, प्रोटीन पैक है ये। ये कुकम्बर क्रश करके हमने आई पैड में डाले हैं, जो इनकी आईज पे हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि डार्क सर्कल भी कवर होते हैं। जो हमने फेस पे पैक लगाया है ये ड्राई हो गए, इसको हमें डैप करके, स्किन टोनर के साथ डैप करके इसको रिमूव करेंगे। मेरा हर्बल फेशियल हो गया? हाँ जी, हर्बल फेशियल आपका कंप्लीट है। तो मेरे चेहरे पे निखार आ जाएगा? बिल्कुल। ग्लो आया क्या? क्या कंप्यूटर पर काम करने से आपकी आंखों पर जोर पड़ता है? अगर आपका जवाब ना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है तो ये रिपोर्ट आप पर ही आधारित है। शशा, ये लो, कर दी मैंने तुम्हारी शर्ट प्रेस। हाँ, थैंक यू। पहन लेना। हे भगवान, कितना काम करना पड़ता है, सारा का सारा मुझे ही बस। शशांक, क्या हुआ, आँख में कुछ गिर गया क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही बस। बहुत काम है ना? हाँ यार, सुबह तुम्हें तो पता ही है, शर्मा जी के वहाँ जाना है, उन्हीं का पेंडिंग काम कर रहा हूँ। शशांक, तुम्हें पता है काम तब तक ही काम रहता है जब तक वो बैलेंस रहे। अगर जरूरत से ज्यादा काम हो जाए ना तो वो प्रेशर बन जाता है। सही लेक्चर दे रही हो तुम। चलो इसी बात पे एक कप कॉफी पिला दो जरा। कॉफी? कॉफी तो तुम्हें मिलेगी, पर एक शर्त पे। थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है ना यार कितना अर्जेंट काम। हाँ हाँ पता है कि तुम्हें ये सारा काम अभी के अभी कंप्लीट करना है। लो बस जाओ, अब कॉफी लेकर आओ जल्दी। शशांक, तुम अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो ना। अरे बाबा, आई एम फिट। फिट ना तुम बॉडी से हो, आंखों से नहीं, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को आराम दीजिए। हाँ यार सही कह रही हो। सारा दिन आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर रहेंगी तो इतनी प्रॉब्लम तो नेचुरल है यार। आपको पता है कि आंखों को ज्यादा यूज करने से ना उनमें सीवीएस हो जाता है। सीवीएस? सीवीएस यानी कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें लैपटॉप से इधर उधर घुमाइए। आई अंडरस्टैंड सुमी, बट तुम्हें तो पता ही है काम कितना इम्पोर्टेंट है। काम तो इम्पोर्टेंट है शशांक, लेकिन अगर आधे घंटे के काम में से हम 10 मिनट का रिलैक्स भी अपनी आंखों को दे तो क्या बुरा है? हाँ सुबह करती रहो, बहुत बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। वो इसलिए शशांक क्योंकि आपकी आंखें बहुत थक गई हैं। हाँ सुमी, तुम तो ब्यूटी पार्लर से रोजाना नई नई टिप्स सीख कर आ रही हो यार। हाँ वो तो है। वैसे भी तुम आई स्पेशलिस्ट की तरह बातें करने लगी हो। वो इसलिए शशांक क्योंकि हमारी आंखें बहुत अनमोल हैं, तो इनकी भी तो सेफ्टी बनती है ना। हाँ यार ये बात तो है। इसलिए तो कह रही हूँ शशांक कि अगर हम थोड़े बहुत प्रिकॉशंस ले लें ना तो हम इन प्रॉब्लम से अच्छी तरह से बच सकते हैं।
कैसे? लाइक एंटी क्लियर लेंस यूज करके या ठंडे पानी के छींटे आंखों में मार के आसपास अपने ग्रीनरी रख के, इससे हमारी आंखों को रिलैक्स मिलता है। यार मुझे तो, मुझे और भी जानना है। जानना चाहते हो? हाँ। तो चलो देखते हैं। घंटों कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं? क्या आप कंप्यूटर एडिक्ट हैं? क्या कंप्यूटर पर काम करना आपकी मजबूरी है? क्या कंप्यूटर पर काम करते वक्त आपके सिर में दर्द सा होता है? क्या कंप्यूटर पर काम करने से आपकी आंखों पर जोर पड़ता है? अगर आपका जवाब ना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है तो ये रिपोर्ट आप पर ही आधारित है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक कंप्यूटर पर काम करने वाले 10 लोगों में से 9 लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के शिकार होते हैं। लगातार कंप्यूटर पर घंटों काम करने से धुंधला दिखाई देना, आंखों में खुजली हो जाना, जलन और पानी आने जैसी समस्याओं के साथ दर्द की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक कलेक्शन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स है जो कंप्यूटर का अधिक इस्तेमाल करने के कारण होता है। कोई भी व्यक्ति जो 2 से 3 घंटे से अधिक कंप्यूटर पे काम करता है, उस वो इन सब चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ द आईज, आँखों में थकान, धुंधलापन, डबल दिखना और आँखों का लाल हो जाना, सर में दर्द, नेक और शोल्डर पेन। इन सारे साइंस एंड सिम्टम्स के कलेक्शन को हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का नाम देते हैं। कंप्यूटर से आंखें खराब होने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। दरअसल आंखों की ये समस्याएं घंटों कंप्यूटर पर एक टक देखने और पलकें न झपकाने की वजह से होती है। हमारी अपनी ही लापरवाही हमारी आंखों की सारी प्रॉब्लम्स की वजह बनती है। साथ ही हमारा पोस्चर कई और बॉडी प्रॉब्लम्स को न्योता दे डालता है। कई तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि आंखों में ड्राइनेस की वजह से आंखों में इरिटेशन होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, आंखें खोलने में तकलीफ होती है, ज़्यादा देर आंखें लाल हो जाती हैं बहुत थोड़ी सी देर काम करने के बाद ही। तो ये सारे कलेक्शन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हम यूजुअली देखते हैं कंप्यूटर यूजर्स में। इन सारी समस्याओं में सबसे प्रोमिनेंट है आई स्ट्रेन। आंखों की अधिकतर परेशानियाँ वहीं से शुरू होती हैं। बिकॉज हम लगातार देखते हैं तो हम पलके झपकाना भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारे आंखों में ड्राइनेस होता है, क्योंकि जो ऊपर सबसे ऊपर की सतह होती है आंखों की, जिसे हम टियर फिल्म कहते हैं, उसमें आंसू होते हैं तो वो इवेपोरेट ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ड्राइनेस होता है और ड्राइनेस की वजह से आई स्ट्रेन हो जाता है। आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आई एक्सेसरीज के साथ कई कंप्यूटर एक्सेसरीज भी आती हैं जो कंप्यूटर से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन को कम कर देती हैं। तो इसके लिए कई सारे चीज़ें हैं जो हम पेशेंट्स को बताते हैं जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ग्लासेस पहनिए, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंटी ग्लेयर कोटिंग लगाइए। इसके अलावा आप जो है लाइट का सोर्स जो कंप्यूटर के ऊपर पड़ रहा है, रूम की जो लाइट है वो कभी भी सामने से या पीछे से नहीं आनी चाहिए, लाइट रूम में कम होनी चाहिए, बिल्कुल डार्क रूम भी नहीं होना चाहिए, किनारे से लाइट आनी चाहिए। एसी जो है या कोई भी तेज़ पंखा है वो एकदम सामने से आंखों के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका जो है डिसकम्फर्ट लेवल बढ़ेगा। तो आप बिल्कुल कम्फर्टेबल सिचुएशन में होने चाहिए, जो आपके वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक्स है वो बिल्कुल ऑप्टिमम होने चाहिए काम करने के लिए। स्क्रीन का जो कंट्रास्ट है वो बेस्ट होना चाहिए, कम कंट्रास्ट पे काम करने पे आंखों में थकान ज्यादा होती है। रेगुलर आई एक्सरसाइजेस के साथ अगर आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये समस्याएं कभी आएंगी ही नहीं। आंखों और स्क्रीन में कम से कम 2 फीट की दूरी रखें। बैठने का सही तरीका अपनाएं। कम रोशनी में काम न करें। पलकों को लगातार झपकाते रहें। छोटे छोटे गैप लेते रहें। गर्दन को बीच बीच में घुमाते रहें। खूब पानी पिएं। पूरी नींद लें।
जब भी कंप्यूटर पे कोई भी व्यक्ति काम करता है तो हम कुछ सजेशंस देते हैं उसको, जैसे कि हर आधे घंटा काम करने के बाद आंखों को 20 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन दें, आंखों को बंद करें और जब खोलें तो थोड़ी दूर की चीज़ देखने की कोशिश करें। इसको हम 20-20-20 रूल बोलते हैं कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड आप रिलैक्स करिए और 20 फीट दूर देखिए। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पलकों को ज़्यादा झपकाना चाहिए क्योंकि अगर झपकाएंगे नहीं तो आंखें खुली रहेंगी, आप लगातार स्क्रीन की तरफ स्टेयर करोगे और ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ेगी आंखों में। और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को कि आई स्ट्रेन कम रहे और आंखों में नमी बनी रहे। अगर हम अपनी आंखों के लिए थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं तो खूबसूरत पलों को कैद कर लेने वाली इन आंखों की खूबसूरती हमेशा यूं ही बरकरार रखी जा सकती है। मैं आपको एक लो फैट रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, वेजिटेबल स्टिक्स, जो कि बहुत ही थोड़े टाइम में बन जाती है और आप मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी उसके लिए कोई आलस नहीं करेंगे बनाने के लिए। सुमी, कुछ खाने को ले आ चाय के साथ। ला रही हूँ बाबा, ये ले, ये रही तेरी गरम गरम चाय और ढोकला ले। चाय तो बड़ी कमाल की है, तू कब से ढोकला खाने लग गई? जब से मैंने ऑयल कम करा है। अच्छा, तो ये बनता कैसे है? वो सब छोड़ और खा के बता कि बना कैसा है। हाँ ले। कैसा बना? बिल्कुल सॉफ्ट, तेरी नेचर की तरह। अरे इसे बनाना कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी होता है, बहुत आसान होता है। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं आपसे डिशेस सीखूंगी। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं पता नहीं कितनी बड़ी कुक हूँ। और क्या, सारे मोहल्ले में तो मैं आप ही की डिशेस सुनती आ रही हूँ, कितने चर्चे चल रहे हैं आपके। अब मैं समझी, इसका मतलब तुम फेमस होना चाहती हो। थोड़ा बहुत, वो तो मैं देख ही रही हूँ, तभी तो कॉपी और पेन साथ लाई हो। आज मैं डिसाइड करके आई हूँ कि आज मैं सारी डिशेस सीख कर जाऊँगी तुझसे और शुरुआत करेंगे छोले भटूरे से, जो तुम्हारी फेवरेट है। फेवरेट? अरे ना बाबा ना, वो मेरी फेवरेट थी। अरे उसमें बहुत हाई फैट होता है, बहुत ऑयली होता है वो। जानती हूँ, पर क्या करूँ, दिल तो बच्चा है जी। नीता, दिल को समझाना पड़ता है जी। हाँ पर क्या करूँ, अब देखो बारिश जैसे ही शुरू होती है तो घर में पकोड़े और सॉल्ट की चटनी बननी शुरू हो जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? और नहीं तो क्या, खुद को देखा है, फूल गई हो खा खा कर और ऊपर से बोलती हो पकौड़े खाने हैं। बस बस, अब इतनी भी टांग मत खींचो। अब बुरा लग गया? बुरा नहीं लगा, मैं तो रोज सड़क पे जाती हूँ तो लोग मुझे मुड़ मुड़ के देखते हैं और हंसते हैं। अरे तो देखेंगे, 50 से 85 हो गई हो। अब तू भी शुरू हो जा सुमी। ओफो, पता है मुझे, इसलिए तो तुम रोज रोज टेलर के पास जाती हो। वो तो मैं न्यू डिजाइन के लिए जाती हूँ यार। हाँ पता है कि डिजाइन के लिए जाती हो या अपने कपड़ों को लूज करवाने हैं। अब तू ये कपड़ों के बारे में बात छोड़ और रेसिपीज पे आ जा फटाफट से। बुरी लग गई ना मेरी बात? पर मीता, मैं भी तो तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। पर क्या करूँ सुमी, मेरी तो आदत खराब हो गई है। अरे तो यही तो आदत सुधारनी है। तुम्हें पता है कि मोटापा कितनी बीमारियों को लेकर आता है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है? क्या, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर लोग भाग रहे हैं इधर उधर, उनके पास अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि इस छोटी सी ज़िंदगी के लिए अगर आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही हेल्दी रेसिपी होनी चाहिए, चाहे थोड़े टाइम में बनाएं। मैं आपको एक लो फैट रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, वेजिटेबल स्टिक्स, जो कि बहुत ही थोड़े टाइम में बन जाती है और आप मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी उसके लिए कोई आलस नहीं करेंगे बनाने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए भुने हुए चने का पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, गाजर कद्दूकस करी हुई, ऑयल, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, हरी मिर्ची कटी हुई, शिमला मिर्च कटी हुई, धनिया
और कद्दूकस किया हुआ बंद गोभी। और सबसे पहले हम ये जो भुने हुए चने, ये मैं बताऊँगी कैसे बनाने हैं। ये जो चने होते हैं जो कि हम ऐसे ही खाते हैं, भुने हुए चने इसको बोलते हैं, इसको आप मिक्सी में डाल के इसका पाउडर कर लीजिए, ये फाइन पाउडर की तरह हो जाएगा और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ, जैसे कि आप यही रेसिपी अगर हम भुने हुए चने से नहीं बनाते तो ये फैट बहुत ही हैवी रेसिपी होती है, इसमें हम आलू डालते हैं, तो आलू नहीं डाल के हम भुने हुए चने डालते हैं क्योंकि हम ये लो फैट रेसिपी बना रहे हैं। और ये भुने हुए चने सबसे पहले हम इसमें डालेंगे और फिर ये गाजर जो कद्दूकस करी हुई है और इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। आजकल गाजर में बिल्कुल पानी नहीं है क्योंकि ड्राई कैरेट्स हैं, तो इसको हमने ऐसे ही कद्दूकस करके डाल दिया, अदरवाइज़ जैसे सीज़न में होती हैं तो हम इसको स्क्वीज़ करके डालेंगे। और ये बंद गोभी है, इसको भी अगर आप कद्दूकस करके थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेती हैं ताकि इसमें से पानी निकल जाए, और ये भी इसमें डालना है। और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा अबाउट 1/4 टीस्पून गार्लिक पेस्ट एंड 1 टीस्पून जिंजर कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई अबाउट 1/2 टीस्पून, धनिया लीव्स अबाउट 2 टीस्पून चॉप फाइनली, एंड दिस इज़ कैप्सिकम शिमला मिर्च बारीक कटी हुई अबाउट 2 टीस्पून, एंड रेड चिली पाउडर टू टेस्ट, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट अबाउट मेरे हिसाब से 1/2 टीस्पून, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। एंड अब इसको हम बाइंड कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं अबाउट 2 बड़े चम्मच, उतना ही पानी हमें डालना है जिससे कि इसकी बाइंडिंग हो जाए अच्छे से, क्योंकि ये ड्राई चने हैं भुने हुए, बिल्कुल सूखा पाउडर है, इसको बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ेगा। और यही रेसिपी अगर आप फैट फ्री नहीं बनाना चाहते तो आप आलू के साथ भी बना सकते हैं। उबला हुआ आलू पर चने की जगह, चना पाउडर की जगह आप उबला हुआ आलू ले लेंगे, उसमें बाइंडिंग के लिए आपको पानी नहीं डालना, वो एज इट इज़ आप बना सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से हाथ में डो की तरह आना चाहिए ये मिक्सचर, लाइक दिस। अब इसको गीले हाथ से हम शेप देंगे स्टिक्स के ऊपर। अब हाथ गीला करके हम इसको स्टिक्स पे लगाएंगे। अच्छे से इसको हाथ से प्रेस करना है, अदरवाइज ये अच्छे से चिपकेंगी नहीं स्टिक्स के ऊपर। ये इस तरह की स्टिक्स आपके इस रेसिपी में अबाउट 4-5 स्टिक्स तैयार हो जाएंगे। दिस इज इनफ टू 2 or 3 persons। अब हम इसको नॉनस्टिक पैन को गरम करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। यह हमारी फैट फ्री रेसिपीज़ हैं तो नेचुरली हम बहुत ज़्यादा तेल तो नहीं डालेंगे, और थोड़े से तेल में ही ये बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसके ऊपर स्टिक्स रखेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये रेसिपी अगर आप नॉनस्टिक पैन पे नहीं बनाते हैं तो ये चिपक जाएगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम तेल यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें नॉनस्टिक पैन ही चाहिए। और जैसे ही ये तेल गर्म हो जाता है, हम पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो हम ये स्टिक्स डाल देते हैं इसमें, और इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद टॉस करते जाएंगे। और इसको गोल्डन कलर होने तक कुक करेंगे और फिर इसको गरम गरम सर्व करेंगे। ये स्टिक्स जब तक तैयार होती है, मैं आपको एक कॉरली एक रेसिपी बता रही हूँ जो कि डिप की तरह आप इसके साथ सर्व कर सकती हैं। अगर वो डिप आप साथ में बना के देंगी तो मेरा ख्याल है ये स्टिक्स का दुगना मज़ा हो जाएगा। उसके लिए 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट एक कटोरी में डालेंगे और 1/2 टीस्पून चिली पेस्ट डालेंगे और 1/4 कप केचप एंड 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर एंड अ लिटल सॉल्ट, थोड़ा सा नमक एक कटोरी में मिक्स करना है सिर्फ आपको, और इसको हम डिप वाली कटोरी में डाल के एक प्लेटर में रख देते हैं। और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कैबेज एंड जो भी आपका मन करता है गार्निशिंग के लिए आप डाल सकते हैं। और उसके साथ हम ये डिप के साथ अगर हम ये सीख सर्व करेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। अब ये हमारी ये सीख तैयार है, मैंने इसके साथ डिप ऑलरेडी बना के रखी हुई है तो हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है वेजिटेबल स्टिक्स, और इसको हम गार्निशिंग करते हैं धनिया के साथ।
और थोड़ी सी आप कैरेट डाल सकते हो कद्दूकस करी हुई, और थोड़ी सी चाहे तो आप कैबेज के पत्ते भी नीचे लगा सकते हैं, या सैलड के पत्ते लगा के और भी अच्छा ग्रीन लुक आ जाएगा इसमें। और ये स्टिक्स इस तरह से अरेंज करके और इसको सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए और ख़ुद के लिए। आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बढ़िया रेसिपी है, मेरा ख्याल आप जिसको भी खिलाएंगे वो खुश होगा। और इतने कम टाइम में और गर्मी के मौसम में आप थोड़े टाइम में आप किचन में जाके रेसिपी तैयार कर सकते हैं। वेज स्टिक्स चना कबाब्स बनाने के लिए हमें चाहिए चना पाउडर 1 कप, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, 1 गाजर, 1/4 बंद गोभी कद्दूकस किया हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार और तेल 1 बड़ा चम्मच। चना पाउडर में सारे इंग्रेडिएंट्स गाजर, गोभी, जिंजर, गार्लिक पेस्ट, शिमला मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया, आमचूर, नमक, ये सब डालकर अच्छी तरह मिला लें। 2 चम्मच पानी डालकर बाइंड कर लें। हाथों को गीला करके स्टिक्स पर लगा लें। नॉनस्टिक पैन में थोड़ा तेल डालकर अच्छी तरह से सेक लें। बारीक कटा हुआ धनिया से गार्निश करें और डिप के साथ सर्व करें। अगर आप ये एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो हमारी वेबसाइट www.pragyatv.com पर लॉगिन करें और देखें अपना फेवरेट शो जस्ट फॉर विमेन। आप ऑफिस में हैं और आपका ध्यान घर पर है। आप बाजार में खरीदारी कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान घर पर है। आप इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग या फिर किसी पार्टी में हैं और आपका ध्यान घर पर है, क्योंकि आपके अपने सेफ नहीं हैं।